हेलो यूट्यूब, आज हमारे सामने टाटा टियागो एएमटी, आइए देखते हैं इसे। ये टाटा की इंपैक्ट डिज़ाइन फिलॉसफी से बनाई गई ये कार है। ये इसके हेडलाइट्स प्रोजेक्टर्स नहीं है पर नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स है, काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है रात में। ये इसके फॉग लाइट्स, ये एक डेमो कार है, काफ़ी फीचर पैक्ड कार है। ये देखिए साइड प्रोफाइल, ये अलॉय व्हील्स हैं, ये 14 इंच अलॉय व्हील्स है, 185/65 R14 टायर्स, और इससे पिछले वेरिएंट्स में आते हैं 165/65 R14 टायर्स, और इससे जो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है उसमें आते हैं 13 इंच टायर्स। ये इसकी बैक प्रोफाइल, इस पर देखिए टियागो और टाटा और XZA की ब्रांडिंग की गई है क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। आइए इसकी बूट स्पेस दिखाते हैं। ₹242 की इसकी बूट स्पेस है। ये साइड में देखिए, इसमें टूल किट भी दिया गया है और पार्सल ट्रे। ये सीट फोल्ड हो जाती है, इंटीग्रेटेड है, 60-40 या 50-50 नहीं है, फुल हो जाती है, और लगेज हुक्स भी दिए गए हैं कन्वीनियंस के लिए। ये इसमें सेंसर्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इसमें कई कलर्स आते हैं जैसे कि वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लू और ऑरेंज। ऑरेंज इसका सिग्नेचर कलर है, और इसमें भी कई वेरिएंट्स आते हैं जैसे कि XB, XE, XM, XT और XZ। ये XZ है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। आइए इसका इंटीरियर देखते हैं। ब्लैक कलर की इसकी अपहोल्स्ट्री है, ये देखिए लाटे ब्लैक कलर, टाटा इसको नाम दिया है। ये इसका कंसोल, ये इसका म्यूज़िक सिस्टम जो हरमान से है, हरमान इंटरनेशनल, मदर ऑफ़ JBL है, मतलब आप समझ ही गए होंगे कैसा इसकी साउंड क्वालिटी होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये देखिए इसके AC कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल AC कंट्रोल्स हैं। ये एक अलग सा गेयर है, गेयर नॉब, जो वैसे ही ऑटोमेटिक का है, AMT जो कहती है टाटा ईजी ड्राइव कहती है इसको। ये देखते हैं इसे, इसे कप होल्डर्स। टाटा ने कुल 22 इंटेलिजेंट स्पेसेस दी गई हैं कार में। ये पिछली कार्स में टाटा में दिक्कत थी कि स्टोरेज स्पेस कम थी, तो इस बार उन्होंने स्पेसेस काफ़ी दे रखी हैं। ये बॉटल होल्डर्स, 1 लीटर बहुत आराम से, 1 लीटर बॉटल बहुत आराम से आ सकती है। थोड़ी सी लाइट पड़ रही है इसका सिस्टम, ये स्पीकर दिखाना चाहता था। ये देखिए इसका स्पीकर, इसमें 6 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी की है। आइए इसका ड्राइवर साइड से देखते हैं। ये इसका ड्राइवर साइड से इंटीरियर है। ये इसका म्यूज़िक सिस्टम में भी मैं बताया था, जैसे कि हरमान इंटरनेशनल से है। इसका स्पीडोमीटर, इसमें ड्राइवर साइड हाइट एडजस्ट भी दिया गया है, बहुत बढ़िया फीचर है, और काफ़ी हाई सेगमेंट कार्स में भी देखने को मिलता है। इसमें स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट भी है, टिल्ट का है सिर्फ, ये देखिए ऊपर जा रहा है, मैंने अभी नीचे कर दिया इसे। इसका स्पीडोमीटर 8000 RPM तक दिया गया है, और 200 इसकी लिमिट दिखाई गई टॉप स्पीड में। इसके AC कंट्रोल्स, इस कार में बहुत बड़ी खासियत है, अगर कोई अगर सिग्नेचर कलर लेते हैं इस कार में, जैसे कि रेड, अगर रेड और ब्राउन या ऑरेंज, तो उस कलर के उसके AC वाइंड्स के कवर्स भी होते हैं। अगर ये सपोज रेड कलर की कार होती तो ये रेड होते, अगर ये ब्राउन कलर की कार होती तो इसमें ब्राउन होते, अगर इसमें ऑरेंज कलर की होती तो इसमें ऑरेंज कलर के होते, काफ़ी कूल है। ये इसका म्यूज़िक सिस्टम, इस कार का मेन हाईलाइट यही है, और इसके AC कंट्रोल्स। हाँ, हम आते हैं इसके गियर नॉब पे। ये देखिए इसमें 4 चीज़ें दी गई, R, N, A और M। R का मतलब इसमें रिवर्स, N का मतलब इसमें न्यूट्रल, A का मतलब इसमें एक्सेलरेशन, और S का मतलब इसमें स्पोर्ट्स, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है, काफ़ी बेहतर है। ये इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी स्मार्ट है, स्टाइल से खुल रहा है। इसका स्पेस है काफ़ी अच्छी है, इसमें एक ट्रैक ट्रे भी दी गई है ज़रूरत के लिए। आइए इसको कार को स्टार्ट करके दिखाते हैं।
ये देखिए इसमें भी होता है कि स्पीडोमीटर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये स्टार्ट करके दिखाया, रिफाइंड इंजन है, उतना भी रिफाइंड नहीं है, उस बजट कार के हिसाब से बहुत बढ़िया है इसका इंजन। इसमें 1.05 लीटर इंजन डीजल का है, 1.2 लीटर इंजन पेट्रोल का है। पेट्रोल में पावर है 80 PS और 130 Nm का टॉर्क, और डीजल में है 70 PS की पावर और 140 Nm का टॉर्क। इस कार की लेंथ, विड्थ और हाइट ऐसी है, कुछ 3.9 मीटर्स की इसकी लेंथ है, 1.6 मीटर्स की इसकी विड्थ है और 1.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। इसमें स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, ये देखिए, सोर्स ऑडियो कंट्रोल्स। इसमें वॉइस फीचर भी है, वॉइस कमांड फीचर, मतलब अपनी वॉइस से आप इसकी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट मैं अभी ऑपरेट नहीं करके दिखा सकता। चलिए इसकी साउंड क्वालिटी भी देखते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये देखिए, अभी इसका बोनेट भी दिखाते हैं, एक मिनट। ये एक इसमें हमारे भी एक स्पेस दे रखी है कुछ सामान रखने के लिए, बहुत स्मार्ट है। इसके पावर कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो के चारों हैं, और ये इलेक्ट्रिकल विनर एडजस्टमेंट। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इस कार में। ये इसका रेवट्रॉन पेट्रोल है। पावर और टॉर्क मैं आपको बता चुका हूँ, इसका कूलेंट और इसकी बैटरी। अब इसकी टेस्ट ड्राइव पे भी चलेंगे। थैंक यू। हम इसके टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं, देखते हैं कैसी कार है चलाने में। इसमें 5-speed AMT ट्रांसमिशन दिया गया है, काफ़ी अच्छा पिकअप है, बट थोड़ी सी गेयरिंग इसमें जर्क है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी ओके है, क्योंकि ये बेसिक कार है कॉम्पैक्ट सेगमेंट के लिए, जो जिसको अपनी पहली कार लेनी है। एसी भी इसका काफ़ी इफेक्टिव है, यहाँ पे 40+ degrees होगा पंजाब में, और काफ़ी अच्छे से कूल कर रहा है अपने कैबिन को। बात आती है अब इसकी लेग स्पेस की, लेग स्पेस भी अब अच्छी है। मेरी हाइट है 5 feet 10 inches और डिसेंट है मेरे लिए। हेडरूम भी ओके है, शोल्डर स्पेस भी ओके है, पर मेरे जैसे सिर्फ दो ही बैठ पाएंगे। इसकी एक शोरूम प्राइस है 3.23 lakhs से और 5.95 lakhs तक। जो मैंने बताया जो 3.23 lakhs है वो बेस मॉडल पेट्रोल वेरिएंट है, और जो मैंने बताया 5.95 lakhs वो मैंने बताया टॉप मॉडल डीजल का। सॉरी ये थोड़ी सी लाइट आ रही है यहाँ। इसका टर्निंग रेडियस भी 5.35 meters है, काफ़ी अच्छे से टर्न ले रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे मेरी हिसाब से तो ये बहुत ही परफेक्ट कार है बेसिक, अगर जिसको लेनी है सिटी यूज़ के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है ऑटो ट्रेंड। थैंक यू।